जय हिंद बच्चों, आज हम कक्षा 9 का विज्ञान विषय का पाठ 6 ऊतक यानी कि टिश्यू भाग 2 पढ़ेंगे। बच्चों, हम पहले भाग में पादप ऊतक यानी कि प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ चुके हैं। ऊतक या टिश्यू किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के ऐसे समूह को कहते हैं जिनकी संरचना एक समान हो तथा वह एक विशेष कार्य करती हो। अधिकांशतः ऊतकों का आकार एवं आकृति एक समान होती है, परंतु कभी-कभी कुछ ऊतकों के आकार एवं आकृति में असमानता पाई जाती है, मगर उनकी उत्पत्ति एवं कार्य समान होते हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं। ऊतक कोशिकाओं का ऐसा समूह है जिनकी संरचना और कार्य समान होते हैं। टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सभी जीवित जीवों की तरह मानव शरीर भी कोशिकाओं से बना होता है। मानव शरीर में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। जब कई समान कोशिकाएं एक कार्य करने के लिए एक साथ काम करती हैं, तो वह ऊतक बनाती हैं। मानव शरीर में चार मुख्य प्रकार के ऊतक होते हैं, जिसमें मांसपेशी ऊतक मस्कुलर टिश्यू, संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू, उपकला ऊतक एपिथीलियल टिश्यू और तंत्रिका ऊतक नर्वस टिश्यू शामिल हैं। शरीर के कुछ अंग स्वतंत्र हैं जो विशेष कार्य को करते हैं। वे ऊतकों से बने होते हैं। अंगों के उदाहरण में आँख, हृदय, फेफड़े, यकृत और पेट शामिल हैं। जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतकों को मुख्य रूप से चार वर्गों में बांटा जाता है। उपकला ऊतक यानी कि एपिथीलियल टिश्यू, संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू, पेशी ऊतक मस्कुलर टिश्यू, तंत्रिका ऊतक नर्वस टिश्यू। पहले हम पढ़ेंगे उपकला ऊतक या एपिथीलियल टिश्यू के बारे में। ईपीथीलियमी ऊतक या ईपीथीलियल टिश्यू अंगों की बाहरी परत तथा आंतरिक अंगों यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स की भीतरी परत का निर्माण करते हैं। ऐसे ऊतक में अंतर कोशिकीय स्थान यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते हैं। इनकी कोशिकाएं एक दूसरे के पास पास होती हैं। ऐसे ऊतक अंगों की रक्षा करते हैं। ये विसरण यानी कि डिफ्यूजन, श्रावण यानी कि सिक्रीशन तथा अवशोषण यानी कि एब्सॉर्प्शन में सहायता करते हैं। इस प्रकार इपिथीलियल टिश्यू या इपिथीलियल ऊतक की कोशिकाओं का आकार उनके स्थान तथा कार्य के अनुसार अलग-अलग होता है। इपिथीलियल टिश्यू या उपकला ऊतक के ऊपर एक पतली झिल्ली के कारण उनके नीचे के ऊतकों से वे अलग रहते हैं। इनकी कोशिकाएं पारगम्य होती हैं। ये ऊतक शरीर के विभिन्न हिस्सों और शरीर के अंदर और बाहरी वातावरण के बीच सामग्री का आदान प्रदान करना संभव बनाते हैं। ये ऊतक मानव शरीर के सुरक्षात्मक ऊतक हैं। ये कई अंगों और गुहाओं यानी कि कैविटीज को कवर करते हैं जो शरीर के अंदर मौजूद होती हैं। मानव शरीर में उपकला ऊतक यानी कि एपिथीलियल टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं? यह रक्त वाहिकाओं के अस्तर में, मुंह के अस्तर में, वृक्कनलिका में, त्वचा में, फेफड़ों की एल्वियोली आदि जगह पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इपिथीलियमी ऊतक सामान्यतः चार प्रकार के होते हैं। शल्की या शल्काव एपिथीलियम यानी कि स्क्वेमस इपिथीलियम, स्तंभाकार एपिथीलियम यानी कि कॉलुमनर एपिथीलियम, घनाकार एपिथीलियम
यानी कि क्यूबॉइडल एपिथीलियम तथा पक्षमाभि या पक्षमाल एपिथीलियम, जिसको हम इंग्लिश में सीलिएटेड एपिथीलियम कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शल्की या शल्काब एपिथीलियम, जिसको इंग्लिश में स्क्वेमस एपिथीलियम कहते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं चपटी और अत्यधिक पतली होती हैं। इन कोशिकाओं के केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस भी चपटे होते हैं। इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाएं फर्श या दीवार पर लगी चपटी ईंटों की तरह दिखाई देती हैं। स्क्विमस एपिथीलियम त्वचा की बाहरी परत पर पाया जाता है। इसके अलावा ऐसे ऊतक मुख गुहा माउथ कैविटी में, जिभ्या में यानी कि टंग पर, ग्रास नली यानी कि एसोफेगस में तथा आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल के अस्तर को बनाते हैं। ये रक्तवाहिकाओं यानी कि ब्लड वेसल्स तथा फेफड़ों के वायु कोशों यानी कि एल्वियोली में भी पाए जाते हैं। इनका कार्य आंतरिक अंगों को सुरक्षा देना तथा रक्तवाहिनियों एवं वायुकोशों यानी कि एल्वियोली में पदार्थों के विसरण में सहायता देना होता है। त्वचा की सतह पर स्थित शल्की या शल्काब एपिथीलियम यानी कि स्क्विमस एपिथीलियम त्वचा की सुरक्षा हेतु कई परत में सजी होती है। ऐसे शल्की या शल्काब एपिथीलियम स्तरित शल्की एपिथीलियम यानी कि स्ट्रेटेड स्क्विमस एपिथीलियम कहलाते हैं। दूसरा एपिथीलियम है कॉल्यूमनर एपिथीलियम। ऐसे ऊतक एक ही स्तर में सजे स्तंभाकार कोशिकाओं के बने होते हैं। कोशिकाओं के मुक्त सिरे पर सूक्ष्म रंसाकुर यानी कि माइक्रोविल्ली होते हैं। ये आहार नाल के ऐसे भाग में पाए जाते हैं जहां पदार्थ का अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन तथा श्रवण यानी कि सीक्रेशन होता है, जैसे कि छोटी आंत के भीतरी स्तर में। अवशोषण एवं श्रवण के अतिरिक्त ये अंगों को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करते हैं। अगला एपिथीलियम है क्यूबॉइडल एपिथीलियम या घनाकार एपिथीलियम। ऐसे ऊतक की कोशिकाएं घनाकार होती हैं, क्यूब शेप की होती हैं। प्रत्येक कोशिका में एक स्पष्ट गोलाकार केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस होता है। यह लार ग्रंथि यानी कि सलाइवरी ग्लांड, स्वेट ग्रंथि यानी कि स्वेट ग्लांड, वृक्क नलिकाओं यानी कि यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में पाई जाती हैं। अवशोषण और श्रवण के अलावा ये अंगों को यांत्रिक सहारा यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रदान करते हैं। अगला एपिथीलियम है सीलिएटेड एपिथीलियम, जिसको पक्षमाभि या पक्षमाल एपिथीलियम भी कहते हैं। इस प्रकार के ऊतक में स्तंभाकार अथवा घनाकार कोशिकाएं होती हैं, जिनकी मुक्त सतह पर रोम यानी कि सीलिया लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। रोम का कार्य कणों, मुक्त कोशिकाओं अथवा म्यूकस में एपिथीलियम सतह के ऊपर विशिष्ट दिशा में गति कराना है। यह अंडवाहिनी, श्वास नली तथा मुख गुहा में पाई जाती हैं। अगला जो ऊतक है वह है कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों और ऊतकों के बीच संबंध करता है तथा उन्हें कुछ सहारा यानी कि सपोर्ट भी देता है। इस प्रकार के ऊतक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है तथा अंतरकोशीय पदार्थ अधिक होता है। अंतरकोशीय पदार्थ को मैट्रिक्स कहा जाता है। मैट्रिक्स तंतुवत यानी कि फाइब्रस, ठोस, जेली की तरह तरल, सघन या कठोर अवस्था में रह सकता है। संयोजी ऊतक आंतरिक अंगों के रिक्त स्थानों में भरे रहते हैं। इनके अतिरिक्त ये रक्त नलिकाओं एवं तंत्रिका यानी कि नर्व्स के चारों ओर और इसके अतिरिक्त ये रक्त नलिकाओं एवं
तंत्रिका यानी कि नर्व्स के चारों ओर तथा अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में पाए जाते हैं। संयोजी ऊतक के कुछ उदाहरण हैं। पहला है ब्लड यानी कि रक्त। रक्त का मुख्य कार्य शरीर में गैसों, भोजन, अपशिष्ट पदार्थों और हार्मोन का परिवहन करना है। इसलिए रक्त में एक द्रव मैट्रिक्स पाया जाता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल्स, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं यानी कि वाइट ब्लड सेल्स और रक्त प्लेटलेट्स यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक वर्णक यानी कि हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है जो ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। सफ़ेद रक्त कोशिकाएं रोगों से लड़ती हैं और प्लेटलेट्स घायल होने पर रक्त के थक्के बनाने में शामिल होते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन और हार्मोन भी होते हैं। अगला कनेक्टिव टिश्यू है लसिका या लिम्फ। लसिका या लिम्फ एक रंगहीन तरल पदार्थ है जो पूरे शरीर में लसिका वाहिकाओं में सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को ले जाता है। शरीर में लिम्फोइड अंग मौजूद होते हैं जो लिम्फ का उत्पादन करते हैं और साथ में लसिका तंत्र बनाते हैं। उनमें से कुछ लिम्फ नोड्स और टॉन्सिल पाए जाते हैं। लसिका के क्या कार्य होते हैं? लसिका शरीर में कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और खनिज ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को वापस रक्त में ले जाता है। यह शरीर की कोशिकाओं को नम रखता है, यह रक्त की मात्रा को बनाए रखता है, यह शरीर से हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस को ख़त्म करने में मदद करता है। इसलिए यह मनुष्यों में प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। यह आंत में वसा यानी कि फैट्स को अवशोषित करता है और पूरे शरीर में पहुंचाता है। अगला कनेक्टिव टिश्यू है हड्डियां या बोन्स। हड्डियां शरीर का एक ढांचा बनाती हैं जिसके ऊपर मांसपेशियां आपस में लिपटी होती हैं। हड्डियों का ऊतक प्रकृति में मजबूत और हार्ड होता है, इसलिए हड्डी की कोशिकाएं एक कठोर मैट्रिक्स में मौजूद होती हैं जो कैल्शियम और फॉस्फोरस से बनी होती हैं। हड्डियां हमारे शरीर को आकार प्रदान करती हैं, मस्तिष्क, फेफड़ों आदि जैसे महत्वपूर्ण अंगों की सुरक्षा करती हैं। शरीर को सहारा देने वाली मांसपेशियां यानी कि एंकर मसल्स को संरचनात्मक सहायता प्रदान करती हैं। कैल्शियम और फॉस्फेट का भंडारण भी करती हैं। अगला जो कनेक्टिव टिश्यू है वो है उपास्थि या कार्टिलेज। उपास्थि एक विशेष संयोजी ऊतक है। ये हड्डियों के जोड़ों के ऊपर मौजूद होता है और उन्हें एक चिकनी संरचना प्रदान करता है। उदाहरण के लिए नाक की नोक और कान के में पीनस, श्वास नली, स्वर यंत्र आदि में ये पाया जाता है। इनमें प्रोटीन और चीनी से बने ठोस मैट्रिक्स होते हैं। ये हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों को सहायता और लचीलापन प्रदान करते हैं। लिगामेंट्स, यह भी एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है। एक लिगामेंट दो हड्डियों को आपस में जोड़ता है। इसमें एक लोच है जो कनेक्शन की सुविधा देता है। स्नायु बंधन की कोशिकाओं में थोड़ा मैट्रिक्स होता है। टेंडन्स ऊतक हड्डियों और मांसपेशियों को एक साथ जोड़ने के लिए जिम्मेदार होते हैं। उनके पास सीमित लचीलापन होता है लेकिन ताकत बहुत ज़्यादा होती है। एरियोलर टिश्यू या एरियोलर ऊतक, यह भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। यह ऊतक शरीर के अंगों के अंदर मौजूद रिक्त स्थान के बीच एक फिल्टर के रूप में कार्य करते हैं। यह अन्य ऊतकों की मरम्मत में भी मदद करते हैं। यह त्वचा और अस्थि मज्जा में भी पाए जाते हैं।
अगला संयोजी ऊतक है वसा ऊतक या एडिपोज टिश्यू। यह आंतरिक अंगों और त्वचा के नीचे पाया जाता है। वसा ऊतक का कार्य है कि वह वसा को संग्रहित करे। यह एक इंसुलेटर के रूप में कार्य करता है। अगला जो जंतु ऊतक है वो है मस्कुलर टिश्यू यानी कि पेशीय ऊतक। यह मांसपेशियों अधिकांश तंतुओं या फाइबर्स से बना होता है जो लंबी कोशिकाएं होती हैं। ये हमारे शरीर में गति करने में मदद करता है। अब ये मांसपेशियां शरीर में कैसे गति पैदा करती हैं? इनमें विशेष प्रोटीन होते हैं जिन्हें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहा जाता है। यह प्रोटीन मांसपेशियों के संकुचन और प्रसार यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का कारण बनते हैं और इसी संकुचन और प्रसार यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण शरीर में गति होती है। मांसपेशियां तीन प्रकार की होती हैं, अरेखित या अनैच्छिक पेशियां जिसको कि अनस्ट्राइब्ड और इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, हृदय पेशियां यानी कि कार्डियक मसल्स तथा रेखित या ऐच्छिक पेशियां जिनको कि स्ट्राइब्ड और वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। सबसे पहली जो पेशी है वो है अरेखित या अनैच्छिक पेशियां यानी कि इनवॉलेंट्री मसल्स। ये पेशियां स्वतः फैलती और सुकड़ती रहती हैं। इनके ऊपर हमारी इच्छा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए इन्हें अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। यह मूत्राशय, आहार नाल तथा रक्त वाहिनियों आदि की दीवारों में पाई जाती है। कार्डियक मसल्स यानी कि हृदय संबंधी मांसपेशियां, यह विशेष प्रकार की अनैच्छिक पेशियां हैं। हृदय की मांसपेशियों को कार्डियक मांसपेशियां या कार्डियक मसल्स कहा जाता है जो पूरे जीवन में लयबद्ध संकुचन और प्रसार करती रहती हैं। ये आकार में बेलनाकार होती हैं, इनकी शाखाएं होती हैं और एक एकल नाभिक यानी कि इनमें एक न्यूक्लियस होता है। ये पेशियां हृदय की दीवारों में रहती हैं। इनमें आरेखित तथा रेखित दोनों पेशियों के गुण पाए जाते हैं, परंतु स्वभाव से ये अनैच्छिक होती हैं। ये पेशियां पूरे जीवन बिना रुके निरंतर काम करती रेखित या ऐच्छिक पेशियां। ये पेशियां हमारी इच्छा अनुसार काम करती हैं, यानी कि ये पेशियां हमारी इच्छा अनुसार सुकड़ती हैं, इसलिए इन्हें ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। ये अस्थियों में लगी रहती हैं और शरीर के समस्त हिलने डुलने की क्रिया इन्हीं के द्वारा होती है। उदाहरण के लिए टांगों की पेशियों द्वारा हम चलते फिरते और दौड़ते रहते हैं। हाथों की पेशियों द्वारा हम वस्तुओं को पकड़ते हैं तथा दूसरे काम करते हैं। अगला जो ऊतक है वो है तंत्रिका ऊतक। किसी जीव के शरीर में तंत्रिका ऐसे रेशे को कहते हैं जिसके द्वारा शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक संकेत भेजे जाते हैं। तंत्रिका को अंग्रेजी में नर्व कहते हैं। तंत्रिकाएं शरीर के लगभग हर भाग को मस्तिष्क या मेरुरज्जा से जोड़कर उनमें आपसी संपर्क रखती हैं। यदि तंत्रिकाओं को करीब से देखा जाए तो वह न्यूरॉन नामक कोशिकाओं यानी कि सेल के गुच्छों की बनी होती हैं। जब मस्तिष्क को किसी हाथ को हिलाने का आदेश देना होता है तो मस्तिष्क से हाथ तक के संकेत तंत्रिकाओं के जरिए ही भेजा जाता है। इसी तरह जब आँख पर कोई छवि पड़ती है तो उसके संकेत दिमाग तक तंत्रिकाएं ही ले जाती हैं। एक न्यूरॉन की संरचना कैसी होती है? यह एक सेल बॉडी के साथ एक लंबी कोशिका है। यह मनुष्य में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका होती है। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। इसमें कुछ शाखा जैसी संरचना होती है जिसे डेंड्राइट्स कहा जाता है। तंत्रिका कोशिका शरीर के केंद्रक में एक नाभिक यानी कि न्यूक्लियस मौजूद होता है। कोशिका के तंत्रिका अंत में कोशिका एक्सॉन के माध्यम से कोशिका शरीर से जुड़े होते हैं। इसी प्रकार एक कोशिका तंत्रिका दूसरी कोशिका तंत्रिका के साथ जुड़ती है और पूरे शरीर में एक जाल बना देती है।
बच्चों, हमने अभी जंतु ऊतक के बारे में पढ़ा। आइए हम इसको एक बार दोहरा लेते हैं। अधिकांशतः जंतुओं में निम्नलिखित चार प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। उपकला ऊतक या एपिथीलियमी ऊतक, जिसे हम एपिथीलियल टिश्यू कहते हैं। संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। पेशीय ऊतक यानी कि मस्कुलर टिश्यू। तथा तंत्रिका ऊतक यानी कि नर्वस टिश्यू। एपिथीलियल टिश्यू अंगों की बाहरी परत तथा आंतरिक अंगों की भीतरी स्तर का निर्माण करते हैं, और जो एपिथीलियल ऊतक होते हैं वो सामान्यतः चार प्रकार के होते हैं। शल्की या शल्काभ एपिथीलियम, जिसको हम स्क्विमस एपिथीलियम कहते हैं। दूसरा स्तंभाकार एपिथीलियम यानी कि कॉल्यूमिनर एपिथीलियम। थर्ड इज क्यूबॉइडल एपिथीलियम तथा चौथा पक्षमाभी या पक्षमाल एपिथीलियम, जिसको इंग्लिश में सीलिएटेड एपिथीलियम कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक, ये ऊतक एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ने का काम करते हैं। ये प्रत्येक अंग में पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत ब्लड, बोन्स, लिम्फ, एडिपोज टिश्यू आदि इन ऊतकों से बने हुए होते हैं। अगला जंतु ऊतक है मस्कुलर टिश्यू। यह प्रचलन तथा विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए पेशी ऊतक की आवश्यकता होती है। पेशी ऊतक पेशी कोशिकाओं से बनते हैं और इनको स्ट्रक्चर और फंक्शंस के आधार पर पेशी ऊतक को तीन प्रकार में विभाजित किया जाता है। ये हैं अरेखित या अनैच्छिक पेशियां, यानी कि स्मूथ और अनस्ट्राइप्ड और इनवॉलेंट्री मसल्स। दूसरा रेखित या ऐच्छिक पेशी, जिसको कि इंग्लिश में स्ट्राइप्ड और स्केलेटल और वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। थर्ड वन इज हृदय पेशी यानी कि कार्डियक और हार्ट मसल्स। अगला जो ऊतक है वो है तंत्रिका ऊतक यानी कि नर्वस टिश्यू। तंत्रिका ऊतक शरीर के समस्त अंगों व कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना तंत्रिका ऊतक की मुख्य विशेषता है। जंतुओं के शरीर के मस्तिष्क यानी कि ब्रेन और मेरुरज्जा यानी कि स्पाइनल कॉर्ड तथा तंत्रिकाएं यानी कि नर्व्स मिलकर तंत्रिका ऊतक का निर्माण करते हैं। तंत्रिका ऊतक संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करती है। तो बच्चों, आज हमने जंतु ऊतक के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करी। आशा है अब इससे जुड़े कुछ सवालों के जवाब आप दे पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं कुछ गृह कार्य यानी कि होमवर्क। पहला प्रश्न है, हाउ आर मैसेजेस कन्वेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी। संदेश को शरीर के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचाया जाता है। प्रश्न दो, व्हाट आर इनवॉलेंट्री मसल्स, वेयर दे आर फॉर्म। अनिच्छिक पेशियां क्या हैं, वे कहां पाई जाती हैं। क्वेश्चन, नेम द मस्कुलर टिश्यू दैट फंक्शंस थ्रू आउट द लाइफ विदाउट फेटीग। मांसपेशियों के उस ऊतक का नाम बताएं जो बिना थके जीवन भर काम करता रहता है। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ बोन्स, हड्डियों के कार्य का वर्णन करें। धन्यवाद।